हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजफुल प्रोडक्ट्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं सिट्रा पिंपल क्लियर फेस वॉश, हिमालय हर्बल मैन पावर ग्लो फेस वॉश और निविया मैन डार्क स्पॉट रिडक्शन फेस वॉश के बारे में। सो दोस्तों, तीनों ही फेस वॉश के बीच में आज हम कंपेरिजन करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सा फेस वॉश आपके लिए ज़्यादा बेटर है और कौन सा फेस वॉश किस काम आता है और कौन सा फेस वॉश किस काम आता है। तो तीनों के बारे में आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साथ में बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसे भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आसानी से मिल जाएगा। सो दोस्तों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन तीनों फेस वॉश के बारे में अलग अलग रिव्यू देखना चाहते हो, अलग अलग वीडियो देखना चाहते हो, फुल डिटेल्स में वीडियो देखना चाहते हो, तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर इनके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो, इनके प्राइस के बारे में और पूरे डिटेल्स में आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो आप लिंक पर जाकर उन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस सिट्रा पिंपल क्लियर फेस वॉश और निविया मैन डार्क स्पॉट रिडक्शन फेस वॉश के बारे में, क्योंकि दोस्तों इन दोनों फेस वॉश का टाइप एक प्रकार का है और ये जो हिमालय हर्बल फेस वॉश है इसका टाइप दोस्तों थोड़ा सा अलग है। सो दोस्तों, ये दोनों ही फेस वॉश में मेन डिफरेंस मुझे ये लगा कि निविया मैन डार्क स्पॉट रिडक्शन वाला, इसकी दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि ये फोम बहुत कम बनाता है। मतलब इस सिट्रा पिंपल क्लियर फेस वॉश के मुकाबले में फोम बहुत कम बनाता है। और दोस्तों, ये सिट्रा पिंपल क्लियर फेस वॉश क्लेम करता है कि आपके जो फेस के पिंपल्स हैं, आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो, जैसे आपके फेस के जो पिंपल्स हैं उनको रिमूव करने का काम करेगा। बट दोस्तों, मैंने इसको जितना भी यूज़ किया है, ये दोस्तों पिंपल्स को ओनली 50% तक रिमूव करेगा, मतलब जड़ से क्लियर करने में आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। और जैसा कि दोस्तों निविया मैन डार्क स्पॉट रिडक्शन फेस वॉश के ऊपर लिखा हुआ है कि आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको रिड्यूस करने का काम करेगा, पर दोस्तों ये डार्क स्पॉट्स को अच्छी तरीके से रिमूव करता है। ये बिल्कुल अच्छा फेस वॉश है, पर दोस्तों लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि ये अच्छी तरीके से फॉर्म नहीं बनाता। पर दोस्तों, ये सिट्रा का जो फेस वॉश है ये भी डार्क स्पॉट्स पे अच्छा वर्क करता है। सो दोस्तों, अगर आप ज़्यादा फॉर्म वाला फेस वॉश यूज़ करना चाहते हो तो आप सिट्रा का फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, और आप कम फॉर्म वाला फेस वॉश यूज़ करना चाहते हो तो निविया का डार्क स्पॉट रिडक्शन फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। सो दोस्तों, निविया के डार्क स्पॉट रिडक्शन फेस वॉश की प्राइस है 95 रुपये और जो सिट्रा का फेस वॉश है इसकी प्राइस है दोस्तों 75 रुपये। सो आप दोस्तों अपने हिसाब से चूज कर लेना कि आपको कौन सा फेस वॉश अच्छा रहेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हिमालय हर्बल मैन पावर ग्लो फेस वॉश की। सो दोस्तों, ये वाला फेस वॉश आपके फेस को अच्छी तरीके से ग्लोइंग बनाने में ही आपकी हेल्प करेगा। अगर आप सोचते हो इसको लगाने के बाद आपकी फेस फेयर बने और डार्क स्पॉट रिड्यूस हो जाए, एक्ने पिंपल्स रिड्यूस हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोस्तों आपके फेस पर ओनली ग्लोइंग फील देने में आपकी हेल्प करेगा और फेस को अच्छी तरीके से वॉश करने में आपकी मदद करेगा। और दोस्तों, इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो इसकी भी प्राइस है दोस्तों 75 रुपये। सो दोस्तों, ये रहा मेरा इन तीनों फेस वॉश के बारे में रिव्यू, और अगर आप इनके बारे में फुल वीडियोस देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इनके बारे में पूरी वीडियोस देख सकते हो। सो दोस्तों, ये रहा मेरा इन तीनों फेस वॉश के बारे में रिव्यू। आपको दोस्तों रिव्यू अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं। सो चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसे भी दबा दीजिए, तो जिससे कि आप हमारी आने वाली इस वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएगा। और कोई सुझाव या जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।